A particle has a displacement of 12 meters towards east and 5 meters towards north and 6 meters vertically upwards. And the magnitude of displacement, आइए इसको बना लेते हैं. पार्टिकल क्या करता है, डिस्प्लेस 12 मीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट. तो ईस्ट हम आई कैप लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ और ये साउथ और ये वेस्ट. ठीक है, सो वी हैव टेकन अ पार्टिकल हैज़ अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट. तो 12 मीटर गए यहाँ पे. उसके बाद 5 मीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ, ये 5 मीटर्स और चले गए. और फिर 6 मीटर ये ऊपर आया है. ठीक है, ऐसे ऐसे आया है. ठीक है, तो पहले हम दो वेक्टर्स को ही ऐड कर सकते हैं बाद में, तो क्यों ना इनको पहले कर लेते हैं. और 12 5 और ये फिर 13 होता है. ठीक है, और ये ऊपर की तरफ 6 है, 6. और क्योंकि एग्जैक्टली ऊपर की तरफ है तो ये भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है. और तो ये हमारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा. इनिशियल पॉइंट कितना था, फाइनल वो टिप होगी 6 मीटर पे. ठीक है, तो हम कैसे निकालें, वो भी 90 डिग्री पर है और ये 13 दे रखा है 90 डिग्री, और ये निकालना है तो अलग से बना लो. ये 13, ये हमारा ऊपर ना बना के हम यहाँ बना अलग से बना रहे हैं. कितना है, 6 है ना. ये बाहर की तरफ ही, डोंट वरी, इस डायग्राम से बाहर की तरफ है. वरना 3D बना नहीं सकते ना, मजबूरी है. तो हमें अलग से बनाया है यहाँ पे, सिर्फ इन दोनों को दिखा रहा हूँ उसको इसको. और हमारे पास ये फाइनल पॉइंट है और ये हमें सॉल्व करना है. तो दिस इज गोइंग टू बी 13, दिस इज 6, सो दिस विल बी 13 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दैट इज़ द आंसर. तो यहाँ से यहाँ पे ये जो है डायरेक्शन और डिस्टेंस वो निकाल लिया हमने, दैट इज़ 169 प्लस 36. सो 9 और 6 15, 7 और 3 10, 205. सो दैट इज़ द फाइनल आंसर. और इसको आप सॉल्व करना चाहें तो अप्रॉक्सीमेटली 14.3 समथिंग ये आ जाएगा. ऐसे भी छोड़ सकते हैं. ठीक है, अब एक चीज़ बढ़िया कराता हूँ आपको मैं. आप ईस्ट गए 12 मीटर यानी कि 12 आई, फिर आप 5 मीटर नॉर्थ गए यानी कि 5 जे, फिर आप आई ऐसे फिर ऊपर, ये तो के हुआ ना 6 मीटर के, ये आ गया आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट. ख़त्म हुआ हमें, आप निकाल लो आंसर, हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दैट इज़ द फाइनल आंसर. कितना आया, वन ये 169 प्लस 36, 205. ये लो आंसर आ गया है ना. तो ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे ही करना चाहिए.